नाम शिबू शर्मा है। मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसलिए कि हमारी जो संप्रदाय है विष्णुप्रिया मणिपुरी, इस संप्रदाय को असम गवर्नमेंट में अब तक सेंट्रल ओबीसी का फॉरवर्डिंग दिया नहीं। वैसे हमारे पास ओबीसी का फैसिलिटीज तो अवेलेबिलिटी है, पर सेंट्रल ओबीसी का जैसे कि एनसीएल का फैसिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे समाज के जो स्टूडेंट्स है या जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें सामना करने को पड़ रहा है। कुछ ही दिन में हमारे ही कुछ बच्चे बीएसएफ में उन लोग रिक्रूट हुए, उन लोग को अपॉइंटमेंट मिला। एक महीना जॉब करने के बाद जब उसको पूछा गया कि आपका सेंट्रल ओबीसी है, तो उसके पास सेंट्रल ओबीसी अवेलेबिलिटी नहीं था, जिसकी वजह से उन बीएसएफ जो जॉब मिले थे अपॉइंटेड है उन लोगों को लौट के फिर घर आना पड़ा और वो काफ़ी डिप्राइव्ड हो गए। हमारे समाज के जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, अच्छे से जो एलिजिबिलिटी रखकर जो देश के लिए अच्छे काम करना चाहते हैं सेंट्रली, जैसे कि इंडियन आर्मी, बीएसएफ, नेवल, प्राइवेट और भी काफ़ी सारे, तो उन सब में हमारे बच्चे जो है उनमें से वंचित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे लोग बहुत ही डिप्राइव्ड हैं। तो उसके लिए हम पूरे समाज एकत्रित होके ये जो डिमांड है ये गवर्नमेंट को कर रहे हैं ताकि ये डिमांड हमें जल्दी फुलफिल हो जाए, ताकि देश के जो बच्चे हैं, समाज के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके और देश को उन्नति में उसका अवदान रख सके। साथ ही साथ सिर्फ असम में ही सेंट्रल ओबीसी नहीं मिला है, हमारी जो पड़ोसी राज्य है जो त्रिपुरा, वहाँ के बच्चों को मिल रहा है, पर हमें उससे गर्व होता है कि हमारे पास की जो स्टेट है वहाँ पर बच्चे लोगों को जितना जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसको एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, पर असम में हम विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज एक सनातन धर्मावलंबी की लोग है, तो उसी में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और दूसरे साथ साथ में असम गवर्नमेंट को दृष्टि आकर्षण करके ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1961 के बाद जो ओबीसी में जिन कास्ट का 13 कास्ट का ओबीसी में थे उन सबको 13 को 12 बाकी सबको उन्होंने सीओबीसी में उन्होंने एस्केलेट कर दिया, फॉरवर्डिंग दे दिया सिर्फ विष्णुप्रिया मणिपुरी संप्रदाय को छोड़ के। तो इसमें विष्णुप्रिया मणिपुरी संप्रदाय का कहाँ पर चूक रह गया जिसकी वजह से आपने हमें फॉरवर्डिंग नहीं दिया, बस यही हमारी सवाल है गवर्नमेंट से, ताकि इसका जवाब मिले। और हमारी जिस भी वजह से हमें सेंट्रल ओबीसी फॉरवर्डिंग नहीं हुआ उसके लिए हम बहुत ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो हम सरकार के दृष्टि आकर्षण करके बोल रहे हैं कि हमें सीओबीसी में एस्केलेट कीजिए, आप फॉरवर्डिंग दीजिए, ताकि देश की जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो एक साथ मिलके काम करें, जिसमें हमारा बच्चे भी वहाँ पर अपना योगदान दे सके देश के लिए। धन्यवाद।